जादुई लीची। जोधपुर गांव में संजीत नाम का एक किसान रहता था। कुछ साल पहले ही संजीत की खेत बंजर पड़ गई थी, जिस वजह से वह खेती नहीं कर पा रहा था। उसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वह हर रोज गांव में घूम घूम कर काम मांगता था। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन भोजन करता था, नहीं तो भूखा ही पानी पीकर सो जाता था। गांव में नए कपड़ों की दुकान खुली, संजीत वहां काम मांगने चला गया। क्या मुझे यहां काम मिल सकता है? नए आदमियों को तो मैं ढूंढ रहा हूं, चाहो तो तुम भी काम कर सकते हो, लेकिन तनख्वाह कम ही दूंगा क्योंकि दुकान नई नई खुली है। जी मालिक, मैं कम तनख्वाह में भी काम करने के लिए तैयार हूं। संजीत रोज सुबह सुबह दुकान पर काम करने जाने लगा। दुकान के मालिक ने दो और नए लोगों को काम पर रख लिया, लेकिन अभी भी वह ज्यादा विश्वास और इज्जत संजीत को देता था। उन दोनों आदमियों से यह देखा नहीं गया, इसीलिए उन दोनों ने संजीत पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर दुकान से निकलवा दिया। बेचारा संजीत रोता हुआ घर आया। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा था, जिस वजह से वह बहुत दुखी था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तभी एक दिन संजीत के बूढ़े चाचा उससे मिलने आते हैं। कैसे हो संजीत बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं अपनी हालत कैसे आपको बताऊं? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। संजीत रोते रोते सारी बातें चाचा जी को बताता है। अरे बेटा रो मत, देखो मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए काम लेकर ही आया हूँ, एक बार चुप होकर सुन तो लो। क्या आप मेरे लिए काम लेकर आए हैं? जल्दी बताइए क्या काम है। मुझे लगा था कि तुम कुछ काम कर रहे होगे, जिस वजह से तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरा काम जरूर कर सकते हो। कैसा काम चाचा जी? बेटा तुम तो देख ही रहे हो मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ, आज हूँ कल नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बड़ी लीची की बागान है। मैं बागान के पेड़ों को संभालने के काबिल नहीं बचा। उन पेड़ों पर हर साल ढेर सारी लीचियाँ होती हैं। मैं इस उम्र में इस स्थिति में नहीं हूँ कि उन पेड़ों का ध्यान रख सकूँ, बस खेत पर थोड़ा अनाज ही उगा पाता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि कोई मेरे लीची की बागान की देखभाल करे। जी चाचा, मैं जरूर आपकी लीची के बागान की देखभाल करूँगा। बेटा उन सभी पेड़ों पर हर साल लीची होते हैं, उन्हें बेचकर जितने पैसे मिलेंगे वह तुम रख सकते हो। मेरा क्या है, मैं तो खेत पर अनाज उगाकर खा लेता हूँ और थोड़ा बेच भी देता हूँ। वो सब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन मैं हर रोज यहाँ से इतनी दूर आपकी बागान तक कैसे जाऊँगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना और सब चीज की देख रेख करना। संजीत चाचा जी की सभी बातों को मान लेता है और उनके साथ उनके घर आकर रहने लगता है। संजीत बागान में जाकर लीची के पेड़ों को देखता है। सभी पेड़ बहुत विशाल थे, उनमें छोटी छोटी लीची भी लगी हुई थी। संजीत अपने चाचा जी की मदद करने लगता है और पूरा बागान संभालने लगता है। सभी लीची उग चुके थे, संजीत उन्हें तोड़कर बाजार में लाता है और बेचता है, उससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। चाचा जी की वजह से आज मैं एक बेहतर जिंदगी जी पा रहा हूँ, मैं कभी उनका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। अचानक एक दिन उसके चाचा जी की मृत्यु हो जाती है। चाचा जी की मृत्यु के बाद सभी चीजों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी संजीत के ऊपर आ जाती है, वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगता है। चाचा जी आप जहाँ भी हो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं अपनी सभी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगा और आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। एक साल बीत चुका था, पेड़ पर वापस लीचियाँ लग चुकी थी। संजीत लीची के सभी पेड़ों पर ध्यान देने लगता है, सारी लीचियाँ अच्छे से उग जाती हैं। फिर संजीत एक एक करके सभी पेड़ों से लीचियाँ तोड़कर बेचने का काम शुरू करता है। संजीत के पेड़ों की लीचियों की मांग गांव-गांव में होने लगती है, सभी सिर्फ संजीत के पास ही लीची लेने आते हैं। पिछले साल भी सभी सिर्फ संजीत के पास से ही लीची खरीदने आते थे और इस साल भी यही हो रहा था। कई सालों से बाजार में अपना दबदबा बनाए मंटू को यह पसंद नहीं आता है, वह सोचता है। अरे
ये अचानक कहाँ से आ गया? गांव में लीचियां बेचने का काम तो मेरा था, इस तरह से तो मैं किसी साल आमदनी नहीं कर पाऊंगा। मेरी सारी लीचियां बर्बाद हो जाएंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। यह सोचकर वह अपने दोस्तों के साथ संजीत के लीची के बागान में रात के वक्त आता है और आग लगाकर भाग जाता है। सुबह जब संजीत बागान पहुंचता है तो देखता है पूरी लीची का बागान जल चुका है और आग की लपटें आगे बढ़ रही हैं। संजीत तुरंत पानी लेकर आता है और आग बुझाता है। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? यहाँ आग कैसे लग गई? संजीत बहुत अफसोस करता है कि वह लीची के बागान की रखवाली अच्छे से नहीं कर पाया और वह रोता हुआ बाजार आता है तो देखता है सभी लोग मंटू की दुकान पर लीची खरीदने के लिए भीड़ लगाए हैं। संजीत को उदास देखकर मंटू बहुत मुस्कुराता है और सोचता है कि अब बेच ले लीचियां, जब तेरे पेड़ ही नहीं बचे तो लीचियां कहां से लाएगा। वह वापस घर आता है और उदास होकर बैठ जाता है। संजीत के पड़ोस में एक सोनू नाम का बच्चा होता है। सोनू अक्सर संजीत के साथ बागान में घूमा करता था। वह संजीत के पास आता है। चलिए ना, आज हम फिर बागान पर घूमकर आते हैं। बेटा, कोई फायदा नहीं वहाँ जाने का। क्यों, क्या हुआ? सारे पेड़ जल चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है वहाँ। क्या, ये कब और कैसे हुआ? मुझे भी देखना है, आप चलिए ना मेरे साथ। संजीत बच्चे की जिद मानकर उस जले हुए बागान को देखने जाता है। अरे, यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया। संजीत सोनू को बागान दिखा रहा था, तभी सोनू की नज़र एक लीची पर पड़ी। वो देखिए, एक लीची अभी भी बची है, जली नहीं है। सोनू और संजीत लीची के पास आते हैं तो लीची को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाप रे, ये लीची तो बहुत बड़ी है, मैंने कभी ऐसी लीची नहीं खाई। सोनू उस लीची को उठाता है और उसे खाता है। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लीची है। वह लीची खाकर बीज को वहीं फेंक देता है और दोनों बागान से घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन संजीत बागान की ओर से गुजरता है तो देखता है पूरे बागान में हरी भरी और विशाल लीचियों का पेड़ लगा हुआ है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? संजीत देखता है पूरे बागान लीची से भरे हुए हैं और उन सभी पेड़ों पर लीचियां लदी हुई हैं। वह दौड़ता हुआ सोनू के पास आता है और उसे अपने साथ बागान ले जाता है। सोनू भी यह देखकर हैरान हो जाता है। मुझे तो लगता है कल जिस लीची को मैंने खाई वो कोई जादुई लीची थी, जिस वजह से उसका बीज फेंकने मात्र से पूरा बागान लीचियों से भर गया। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? आप खुद ही सोचो, ये सब उसके बाद ही हुआ जब मैंने लीची खाकर उसकी बीज यहाँ फेंकी। संजीत को सोनू की बातें थोड़ी थोड़ी सच लगने लगती हैं। संजीत सभी नए पेड़ों को देखकर बहुत खुश होता है और उन लीचियों को तोड़ता है। जब वह सभी लीचियों को तोड़ रहा था तभी पेड़ में से एक लीची कहती है, संजीत तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें लीची के वापस से सारे पेड़ मिल गए। संजीत देखता है एक लीची यह सब कह रही है। अरे, तुम कौन हो? मैं जादुई लीची हूँ और इन सभी पेड़ पर जादुई लीचियाँ उगी हुई हैं। एक बार तुम सभी लीचियों को तोड़ लोगे उसके थोड़ी ही देर के बाद वापस से लीचियाँ आ जाएंगी। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ, यह सभी लीचियाँ पूरे साल उगेंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले की तरह वापस किसी ने अगर सभी पेड़ को जला दिया तो? ये मुमकिन ही नहीं, कितना भी ताकत लगा ले हमें जला नहीं सकता, और जो भी हमारे पास आएगा हमें कष्ट पहुंचाने के लिए उसका मुंह काला हो जाएगा, तब तक काला रहेगा जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। संजीत यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वापस से लीचियां तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। मंटू से यह सब देखा नहीं गया और वह इस बार अकेला ही लीची के बागान तक आ गया। अरे, ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी इतने सारे पेड़? मंटू सभी पेड़ों को जलाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब वह वहाँ से निकलता है तब वहाँ उसका मुंह काला हो जाता है। वह उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मुंह के काले दाग जा ही नहीं रहे थे। अगली सुबह संजीत बाजार आता है और मंटू भी एक और मुंह ढककर लीची बेच रहा होता है। मंटू का दोस्त मस्ती मस्ती में उसके मुंह का कपड़ा हटा देता है। तभी संजीत की नज़र मंटू के चेहरे पर पड़ती है। उसे लीची की बात याद आती है। वह समझ जाता है कि मंटू वह आदमी है जो उसके बागान के सभी लीचियों के पेड़ को बर्बाद किया था। संजीत मंटू के पास आता है, तभी मंटू के चेहरे का काला दाग हट जाता है। संजीत मंटू को सच्चाई बताकर बहुत खरी खोटी सुनाता है। अरे, अब से मैं कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह सारा सामान उठाकर वहाँ से भाग जाता है और कभी संजीत को परेशान नहीं करता है। जादुई अंगूर। एक गाँव में एक राम भरोसे नाम का बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे।
उसके चार बेटे थे। वह अपने चारों बेटों के साथ खेती किया करता था। जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम गोलू था। राम भरोसे गोलू से बहुत प्रेम करता था। गोलू भी अपने पिताजी की हर बात मानता था। एक बार राम भरोसे ने अपने बेटों से कहा, खेतों में इस बार खरबूज की बीज डालनी होगी। पिताजी, खरबूजों की बीज लगाने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। उसमें क्या है, शहर जाकर बीज ले आओ। परंतु पिताजी, खेतों में बहुत काम है, वहाँ कम से कम तीनों लोगों की जरूरत है। इसीलिए हम तीनों भाई खेतों का काम करते हैं और गोलू को आप शहर भेज दीजिए। बेटा गोलू, क्या तुम शहर जाकर बीज ले आओगे? जी पिताजी, मैं शहर चला जाऊंगा। अगले दिन गोलू शहर के लिए निकल जाता है। उधर गांव में राम भरोसे बीमार हो जाता है। तीनों बड़े भाई डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन इलाज के बावजूद भी उसकी तबीयत नहीं संभलती। राम भरोसे तीनों बेटों से कहता है, बेटा जरा कोई सरपंच को तो बुला लाओ। सरपंच जी, मुझे लगता है कि अब मैं और नहीं जीऊंगा, इसीलिए मैं आपके सामने कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद आप मेरे चारों बेटों में बराबर से मेरी जमीन को बांट देना, ताकि मेरे चारों बेटे आराम से जीवन यापन कर सकें। राम भरोसे जी, जैसी आपकी इच्छा। राम भरोसे इतना कहकर थोड़ी देर के बाद मर जाता है और तीनों बेटे रोने लगते हैं। अपने पिता का क्रिया कर्म करने के बाद तीनों भाई सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। बोलो क्या हुआ? सरपंच जी, हम चाहते हैं कि पिताजी के जमीन में से थोड़ी सी जमीन गोलू को मिल जाए, बाकी हम तीनों भाइयों में बांट दिया जाए। अरे लेकिन राम भरोसे ने तो कहा था कि जमीन को चारों भाई में बराबर से बांटना है। अरे सरपंच जी, पिताजी ने सिर्फ आपके सामने ही तो कहा था ना, और कोई तो नहीं था वहाँ। गोलू आएगा तो आप कह दीजिएगा कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा था कि थोड़ी सी जमीन गोलू को देकर बाकी सारी जमीन तीनों बड़े भाइयों में बांट देना। ऐसा करने पर हर साल जो माल बिकेगा उसके 15% पैसे हम आपको दे देंगे। यह सुनकर सरपंच को लालच आ जाता है। जब गोलू शहर से लौटता है तो अपने पिता के बारे में सुनकर बहुत रोता है। थोड़ी देर के बाद तीनों भाई सरपंच को लेकर आते हैं। सरपंच गोलू को राम भरोसे की वसीयत सुनाता है। लेकिन पिताजी इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? बेटा, यह राज तो तुम्हारे पिताजी के साथ ही दफन हो गया। अगर पिताजी की यही इच्छा थी तो मुझे ये बात माननी होगी। मगर गोलू अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाता। तीनों बड़े भाई अपनी बड़ी बड़ी जमीनों में खेती करने लगते हैं और गोलू के हिस्से में बहुत छोटी सी जमीन आती है जो खेती करने के काबिल नहीं थी। तीनों भाई ढेर सारा अनाज उगाते हैं, अच्छे दामों पर बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं और खेती न करने के कारण गोलू के पास बचे कुचे पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोलू को खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक दिन गोलू अपनी बंजर जमीन के पास बैठा था। अचानक उस जमीन में से एक अंगूर का पेड़ उगता है और देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। उस पेड़ पर अंगूर के गुच्छे लटके रहते हैं। गोलू यह सब देखकर हैरान हो जाता है। उस रसीले अंगूर को देखकर गोलू के मुंह में पानी आ जाता है और वह पेड़ के पास जाता है और अंगूर का एक गुच्छा तोड़कर खाने लगता है। वाह, इतने रसीले और मीठे अंगूर तो मैंने कभी नहीं खाए। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आती है, गोलू तुमको मेरे अंगूर कैसे लगे? गोलू आवाज सुनकर डर जाता है और डरी हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? मैं जादुई अंगूर का पेड़ हूँ। अच्छा, तुम्हारा जादू कैसे काम करता है? अगर कोई सच्चा इंसान मेरा अंगूर खाएगा तो उसको अंगूर बहुत मीठा लगेगा, और अगर कोई झूठा या चोर आदमी मेरा अंगूर खाएगा तो उसका मुख काला हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। जिस गांव में गोलू रहता था वह गांव राजा हरिश्चंद्र के राज्य के अंदर आता था। एक बार राजा के ताज में लगा हीरा चोरी हो जाता है। राजा के ही दरबारियों में से किसी ने हीरा चुराया होता है। राजा अपने हीरे के लिए बड़ा परेशान था, क्योंकि वह हीरा खानदानी और बहुत कीमती था। राजा ने अपने दरबारियों को वहाँ बुलाया और कहा,
मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने हीरा चुराया है। शराफत से बता दो कि हीरा किसने चुराया है, वरना तुम सबका सर कटवा दिया जाएगा। राजा का वजीर बोला, हुजूर जल्दबाजी में फैसला ना लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे बेगुनाहों की जान चली जाएगी। तो फिर कैसे चोर का पता लगाया जाए? मैंने सुना है कि हमारे राज्य में जो गांव है वहां बड़े समझदार लोग रहते हैं, क्यों ना हम गांव वालों से ऐलान करवा दें कि जो भी राजा हरिश्चंद्र की समस्याओं को हल करेगा उसको मुंह मांगी कीमत दिया जाएगा, शायद हमारी समस्या आसानी से हल हो जाए। ठीक है। अगले दिन सारे गांव में राजा के सिपाही यही ऐलान करते हैं, जो भी राजा हरिश्चंद्र की समस्या को हल करेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गोलू एक सिपाही को बुलाता है और पूछता है, राजा की कैसी समस्या है? राजा के ताज का हीरा चोरी हो गया है, चोर दरबार में है परंतु किसी को नहीं मालूम कि हीरा किसने चुराया है। मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, फिर तुमको मेरे साथ चलना होगा। ठहरो जरा। गोलू अपने जादुई अंगूर के पेड़ के पास जाता है और एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर राजा के दरबार में हाजिर होता है। हुजूर, इसका नाम गोलू है और ये कहता है कि आपकी समस्या हल कर देगा। राजा गोलू से कहता है, अगर हमारी समस्या हल ना कर सके तो तुमको कारागार में बंद कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है हुजूर, मैं जो अंगूर लेकर आया हूँ उसमें से एक एक अंगूर सारे दरबारियों को खिला दीजिए, जिसने भी चोरी की होगी उसका मुंह काला हो जाएगा। राजा सारे दरबारियों को अंगूर खाने को कहता है। सब अंगूर खाते हैं परंतु किसी का भी मुंह काला नहीं होता। सबने अंगूर खा लिया परंतु किसी को कुछ नहीं हुआ। नहीं हुजूर, सबने नहीं खाया, आपका वजीर बाकी है, उनको भी खिलाइए। राजा वजीर से कहता है, तुम भी खाओ। वजीर डरते हुए अंगूर खाता है और उसका मुंह काला हो जाता है। राजा को अपने वजीर पर बहुत गुस्सा आता है और वह वजीर को जेल में बंद करवा देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बोलो तुमको क्या चाहिए? हुजूर, मुझे लगता है कि मेरे भाइयों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर मेरे साथ बेईमानी की है, आप इंसाफ कर दीजिए। राजा ने फौरन गोलू के भाइयों और सरपंच को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम सब ने मिलकर गोलू के साथ बेईमानी की है। नहीं हुजूर, मैंने तो इनके पिता राम भरोसे की वसीयत के अनुसार इनको इनका हक दे दिया है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, इस सरपंच को अंगूर खिलाओ। सिपाही सरपंच को जादुई अंगूर देते हैं। अंगूर खाते ही सरपंच का मुंह काला हो जाता है। राजा सरपंच से कहता है, अब तो तुम्हारा मुंह भी काला हो गया है, अब तो सच बोल दो। सरपंच डर के मारे रोने लगता है और कहता है, महाराज इन तीनों भाइयों ने मुझे लालच दे दिया था, राम भरोसे ने सारे भाइयों को बराबर से जमीन देने की वसीयत की थी, मगर मैंने लालच में आकर गोलू के साथ बेईमानी की, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तीनों भाइयों समेत सरपंच को जेल में बंद करवा दिया और सारी जमीन गोलू के हवाले कर दिया। इस तरह गोलू को इंसाफ मिल गया और वह खुशी खुशी अपने गाँव में चला गया।